दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गो मैं किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अश्विनी लुटाएगी सही पर सबके सामने प्यार। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अश्विनी और नीना दोनों ही मिलकर भाई सभी का स्वागत करना चाहते हैं और वो कॉल के जरिए अब सही से परमिशन लेते हैं। उसके बाद में वो सही को भी इन्वाइट करते हैं और सही हाँ कर देती है। देखने को मिलता है कि सही के पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो अब इसके लिए नई ड्रेस खरीद सके और कुछ भी। अभी यहाँ पर उसकी जॉब नहीं है इसलिए उनको पैसों की काफ़ी तंगी है, इसलिए वो अपनी साड़ी से पूरी रात बैठ कर यहाँ पर अब उससे भी के लिए ड्रेस बनाते नजर आती है। तो दूसरी तरफ उसकी बहुत ही आने की तैयारियां अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके लिए भवानिका को भी हाँ कर देती है और तैयारियां जोरों शोरों से होती है और विराट उसके लिए एक नई गहने और ड्रेस लेकर पहुंचता है सभी के घर। और सुबह सुबह ही बाबा को देखकर वो खुश हो जाती है और सभी अब सही और विराट की ड्रेस में से विराट की ड्रेस चुनती है, जिससे कि देखने को मिलता है कि विराट को अब यहाँ पर सही ये कहते नजर आते कि मेरी बेटी को ऐसी साहब बड़ी बड़ी चीज़ें देने की यानी कि महंगी चीज़ें देने की जरूरत नहीं है, मैं जिस तरह से उसे पालती हूँ मैं उसी तरह से पालूंगी। लेकिन विराट कहता है मेरा भी उस पर हक है और देखने को मिलता है कि हाथ पर छाले हो जाके मशीन को चला चला कर, जिससे कि अब सही का यह हाल देखकर विराट को थोड़ा सा परेशानी हो रही थी और उस आताई इसका राज खोलते नजर आती कि सही ने सारी रात बैठकर ये ड्रेस बनाई है और विराट उसे माफ़ी मांगते नजर आता है। देखने को मिलेगा दूसरी तरफ यहाँ पर पूरे परिवार ने मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी करी, यहाँ तक कि भवानी काकू ने भी बहुत अच्छे से तैयारी करी क्योंकि वो विराट की खुशी में खुशी देख रही है। वहीं पर पत्रलेखा को बहुत बुरा लग रहा होता है और सोनाली को बहुत बुरा लग रहा है और कह रही थी कि अब तो सही देखना इसी घर में आ जाएगी और उसके बाद में विराट की दो दो पत्नियां होंगी, जिससे सुनकर पत्रलेखा और ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो जाती है। वहीं पर देखने को मिलेगा कि सभी तैयार होकर घर पहुंचेगी जिससे स्वागत किया जाएगा और उसके गृह प्रवेश के साथ यहाँ पर सही का भी गृह प्रवेश हो जाता है। और यहाँ पर अश्विनी ने सभी के साथ साथ एक और पैंडल बनवाया है सभी के लिए भी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास, उसे लग रहा है कि सही कहीं ना कहीं उसके साथ उसने ज़्यादा की है जबकि सही उनके लिए कितना कुछ कर रही है। वीनू को सही करने में भी के लिए भी वो यहाँ आई और उसने उससे सही बात भी नहीं करी और यहाँ पर अश्विनी अब सही को उसे माफ़ी मांगते नजर आएगी सबके सामने और उसे अब यहाँ पर सभी को उसी घर में रहने की जिद करेगी। तो देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब अश्विनी की जिद पत्रलेखा और विराट को दूर करेगी और सही और विराट को करीब लाएगी।